तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप कैसे जो है अपने फोटोशॉप से जो है पार्टपोर्ट साइज का फोटो जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और वो भी बहुत कम समय में। तो सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप को ओपन कर लेना है, जो कि मैंने पहले से कर रखा है। उसके बाद ओपन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें एडमिट कार्ड है। अब यहाँ से हम एक एडमिट कार्ड को सेलेक्ट कर दें, जैसे मान लिया मेरा ये एक एडमिट कार्ड है, इसको मैंने क्या किया, इसी ये मेरा एक एडमिट कार्ड है, इसको मैंने क्या किया कि सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो इसके जितने पेज खुल जाएंगे, तो जिस पेज पे आपका रहेगा फोटो उस पर आपको क्लिक कर लेना और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि आपको कंट्रोल प्लस प्लस इसको जूम कर लेना है। तो जब जूम कर लेंगे तो ये फोटो जो है क्लियरली नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉप के ऑप्शन पे लेफ्ट साइड क्लिक करना है, इसमें कई टूल्स मिल जाएंगे आपको, तो इस टूल्स का यूज नहीं करना, बीच में ये जो टूल्स देख रहे हैं इस टूल्स को आपको यूज करना है। इस पर क्लिक करेंगे और इसको अपने हिसाब से यहाँ पे रखकर और राइट साइड माउस को क्लिक किए हुए यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना। उसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे जितना दूर रहेगा उतना दूर को, और इस पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम एरो पे सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बीच में ले आएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज पे जाएं, एडजस्ट पे जाएं, इस पर आपको ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, लेयर बढ़ा सकते हैं, एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें करके आप इसको सही कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि आपको A4 पेपर ले लेना है। तो A4 के लिए न्यू पे क्लिक करना है। अगर आपका न्यू में जो है इस तरह का कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप वाइड पे जो है 2480 ले ले और 3508 ले लो, और यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे क्रिएट करेंगे तो ये A4 साइज का पेपर आ जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है कि इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रैप कर लेना और यहाँ पर लेकर आ जाना है। अब इसको जो है साइज में हम ले लेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे उसको सेलेक्ट। अगर आप ये चारों तरफ से एरो नहीं दिख रहा है तो आपको जाना होगा एडिट पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्री ट्रांसफ़र, इस पर आप क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि इसको कंट्रोल प्लस, यहाँ पे आपको क्या करना है कि शिफ्ट प्लस अल्ट चिपना है और इस पर एक एक करके हम लोग छोड़ेंगे क्लिक माउस को, पर शिफ्ट प्लस कंट्रोल पर रेगुलर छिपे रहे, फिर जो है इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ से इसको आप इसके कई कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें और इसको छोटा सा कर लें, ठीक है, ओके कर लें। इतना होने के बाद इसको आप प्रिंट के लिए तैयार है। आप यहाँ से जो है फाइल पर जाइए, फाइल मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है और यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से जो है अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय।